हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। स्वागत आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ इंस्टा पर जो ट्रेंडिंग में चल रहा, बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम में ट्रेंडिंग में चल रहा इस वाला समय, इसलिए इस वाला समय पे एक वीडियो बना कर लिया। आपको भी इस टाइप का वीडियो एडिंग करना चाहते हो तो मेरे वीडियो पर एंड तक बने रहे, और अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, तो गाइस कॉपीराइट वैसे मैंने वीडियो को थोड़ा सा मोड कर दिया। आप भी इसका फुल वीडियो देखना चाहते हो मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे वीडियो को पहले पोस्ट कर दिया, वहाँ जरा वीडियो को देख सकती हूँ। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या करना है, 9.60 रेशो का आपको फोटो होना चाहिए, और आपके पास फोटो नहीं है तो आपको क्या करना, प्लस में टैप करना है, 9.60 रेशो सेलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट करना है। ओके, इसी तरह से आपको क्रिएट प्रोजेक्ट करना है, यहाँ पर आपको जाना मीडिया में और आपको यहाँ पर आ जाना है अपना फोल्डर पर। ओके, तो यहाँ पर हम फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके ओके, तो दोस्तों यहाँ से हम कुछ फोटो इस तरह आपको सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करने के इस तरह आपको सेलेक्ट कर लेना, जो भी फोटो आपको पास होगा आपको कुछ फोटो इस तरह सेलेक्ट कर लेना। तो कुछ फोटो हम सेलेक्ट कर लिया और ये वाला ऑप्शन क्लिक कर देना। ओके, इतना करने के बाद आपको क्या करना, यहाँ पहले वाला फोटो पर क्लिक करना, थी लाइन पर आ जाना है, फिल कंप्रेशन यह कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर आ जाना है और आपको कलर फ्रेम पेज में आपको सेव कर लेना है। इसी तरह आपको जितना फोटो आपको 9.60 में बनाना है आपको बना लेना है। ओके, तो हम इस वाला फोटो डिलीट कर देंगे फिर से। ओके, नीचे आ जाना है, डिलीट कर देना है और फिर से आपको इस वाला फोटो क्लिक करना है, थीम पर आ जाना है, फिल कंप्रेशन यह कर लेना है। ओके, यहाँ पर जाना है और आपको करंट फ्रेम पेजिंग में आपको सेव कर लेना है। ओके, इसी तरह से आपको सारे फोटो बना लेना है। तो चलो सारे फोटो हम बना लेते हैं पहले। ओके ओके, तो दोस्तों मैंने सारे फोटो बना लिया, उसके बाद आपको बैग जाना और इस वाला प्रोजेक्ट को आपको डिलीट कर देना है। ओके, डिलीट करने के बाद आपको क्या करना, सॉन्ग्स भी डुमार ओपन कर लेना है और यहाँ से आपको मिल जाएगा ग्रुप। ओके, तो पहले आपको ग्रुप टू पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप करना है, यहाँ से आपको प्लस में टैप करना है, मीडिया में जाना है और आपको जो भी जो फोटो बनाए थे एनिमेशन फोल्डर में होगा तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी फोटो हम। ओके, यहाँ से वाला फोटो सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको लास्ट पर आ जाना है, इस वाला बिडमार पर आ जाना है, जो एक्स्ट्रा होगा आपको कट कर लेना है, फोटो को आपको इस तरह नीचे ले जाना है। ओके, देखो नीचे आने के बाद इस वाला फोटो को आपको थोड़ा नीचे इस तरह छोटा कर लेना है, आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। ओके, अपने हिसाब से। ओके, फिर से आपको बैग जाना है, बैग आने के यहाँ जहाँ अपने जो फोटो यहाँ पर ऐड करना चाहते ऐड कर सकते हो, तो ग्रुप पर फिर से क्लिक करना है, ग्रुप वन पर एडिट ग्रुप करना है, प्लस में टैप करना है और जो फोटो आपके पास है जो फोटो आपको यहाँ पर ऐड करना है नेक्स्ट करके आपको एक्स्ट्रा जो कट कर लेना है, फोटो को नीचे रख लेना है। ओके, इस वाला फोटो को आपको छोटा कर लेना है इस तरह और यहाँ आपको एडजस्ट कर लेना है। ओके, फिर से आपको बैग जाना है, देखो इस तरह आपको यहाँ पर फोटो ऐड हो गया। ओके, फिर से आपको आगे क्या करना है, यहाँ आपको छोड़ देना है, फिर बाद में बताऊंगा आपको क्या करना है, कैसे इफेक्ट लगाना है। यहाँ आपको तीन नंबर लिखेगा, तीन नंबर इफेक्ट यहाँ पर ऐड करना है और आपको यहाँ पर आगे चले जाना है, यहाँ पर आपको सेम फोटो ऐड कर लेना है, चार टोटल जो आपको मिलेगा, तो यहाँ पर जो भी फोटो आप देना है सेम फोटो आपको ऐड कर लेना है, टोटल आपको पांच फोटो यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो हम ऐड कर लेते हैं पांच फोटो, टोटल आपको एक फोटो ही ऐड करना है, यहाँ पर हम इस बाइक का फोटो ऐड कर लेंगे। ओके, तो इस तरह आपको सेम प्रोसेस, टोटल आपको पांच फोटो यहाँ पर ऐड कर लेना है। ओके ओके, तो दोस्तों मैंने यहाँ अलग अलग फोटो यहाँ पांच फोटो ऐड कर लिया, आप चाहे तो सेम फोटो ऐड कर सकते हो, अलग अलग भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से आपको कुछ भी करना है, फिर से आपको आगे चले जाना है। ओके, यहाँ आपको फोटो ऐड करना, बाद में ऐड करना है, 9.60 का फोटो खत्म होने के बाद, तो यहाँ पर फिर से आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है, यहाँ आपको मिल जाएगा ग्रुप फोर, तो आपको एडिट करना है, एडिट करना है, यहाँ आपको टोटल चार फोटो भी ऐड करना है। ओके, तो ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, एडिट ग्रुप कर लेना है इस तरह। ओके, यहाँ आपको 9 पर इमेज लिखा है तो यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर जाना है, आपको जो फोटो अच्छा लगे वो फोटो आपको सेलेक्ट करना है, बैग जाना है, तो यहाँ पर दोनों ग्रुप एडिट करना है, एडिट करने इमेज पर क्लिक करना है, ग्रुप पर क्लिक करना है। ओके, इस तरह आपको फोटो को क्लिक कर देना है, फिर से आपको बैग जाना है, इस वाला ग्रुप आपको छोटा पड़ गया तो यहाँ पर आ जाना है, इस वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। ओके, तो फिर से आपको ग्रुप थ्री को एडिट करना है और इमेज पर क्लिक करना है, कलर फिल में जाना है। ओके, टोटल आपको इमेज को यहाँ पर भी ऐड कर लेना, फिर से आपको बैग जाना है, इस तरह देखो इमेज ऐड हो गया। ओके, तो इस फिर से आपको क्या करना, बैग जाना है और आपको यहाँ पर देखो आगे भी इमेज लग गया, तो यहाँ पर भी इमेज लग जाएगा। ओके, इस वाला ग्रुप देखो फोर भी कंप्लीट हो गया, फिर से आपको आगे चले जाना, यहाँ पर आपको इमेज लगाना है, तो आपको नीचे आ जाना है, इमेज टू लिखा है, दो इमेज आपको यहाँ पर लगेगा, तो इमेज पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। ओके, इस तरह आपको इमेज पर क्लिक कर देना है और नीचे वाला लेयर पर क्लिक करके जो भी आपको अच्छा लगे वो फोटो आपको यहाँ पर ऐड कर लेना। ओके, देखो इस तरह इमेज यहाँ पर ऐड हो गया, फिर से आपको आगे चले जाना है, आगे आने के बाद आपको फिर से आपको एक क्लियर मिले लास्ट में। ओके, इमेज लिखा है तो इमेज पर क्लिक करना है, कलरफुल में जाना है। ओके,
तो यहाँ पर हम इस वाला इमेज को ऐड कर लेंगे। ओके, इस तरह देखने के लिए कुछ आएगा। ओके, देखो ये वाला कंप्लीट हो गया। फिर से आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आ जाना है। तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट करके जो यहाँ ब्लैंक है तो यहाँ पर क्लिक करना है, प्लस में टैप करना है, मीडिया में जाना है और आपको जो फोटो अच्छा लगे वही फोटो आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर थी लाइन पर जाना है, फिल कंप्रेशन ले करके नेक्स्ट करके एक्स्ट्रा होगा तो आपको कट कर लेना है। फिर से प्लस में टैप करना है, मीडिया में जाना है। ओके, एक फोटो ये वाला लगा लेंगे, इस वाला फोटो। आपको बाइक का भी फोटो चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम में फोटो दे दूंगा, आप यूज कर सकते हो। ओके, इसी तरह से आपको एक एक कर फोटो आपको लास्ट तक आ जाना। फिर से प्लस में टैप करना, मीडिया में जाना है और आपको जो फोटो अच्छा लगे वही फोटो आपको सेलेक्ट करके यहाँ कट कर लेना। ओके, इसी तरह से आपको जितना फोटो यहाँ पर लगेगा जो खाली ब्लैंक है सारे में आपको फोटो भर लेना है। ओके, तो चलो सारे में फोटो ऐड कर लेते हैं पहले। ओके ओके, तो दोस्तों फोटो ऐड करने के बाद इस तरह आपको फोटो ऐड कर लेना है। फोटो ऐड करने के बाद आपको बैग जाना है, बैग आने के बाद आपको सैग इफेक्ट ओपन कर लेना है। यहाँ से आपको देखो सिंगल बिडमार है। ओके, तो देखो सिंगल बिडमार पर जितना भी आपको सिंगल बिडमार दिखेगा तो यहाँ पर रेड कलर का ऊपर मिलेगा। देखो यहाँ पर देखो रेड कलर का नहीं है, देखो रेड कलर का यहाँ है, तो यहाँ पर देखो रेड कलर का दो है, तो यहाँ आपको दो नंबर इफेक्ट लगेगा। जो जहाँ भी आपको डबल बिडमार दिखेगा वहां पर आपको इस वाला इफेक्ट को पेस्ट करना, और जहाँ आपको सिंगल बिडमार होगा जो एक ही बिडमार होगा रेड कलर का, तो इस वाला इफेक्ट को आपको अप्लाई करना है। और यहाँ आपको तीन नंबर लिखा हुआ मिलेगा, तीन नंबर जहां पर भी लिखा होगा आपको तीन नंबर इफेक्ट ऐड करना है, और यहाँ आपको चार नंबर इफेक्ट लिखा है तो आपको जहां भी आपको चार नंबर इफेक्ट लगेगा आपको चार नंबर इफेक्ट को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करना है सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, वीडियो पर एंड तक बने रहे और अभी तक मैं एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको आ जाना पहले एक नंबर इफेक्ट पर, अब सिंगल बिडमार जितना है फोटो है सारे फोटो हम इस वाला इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो इस वाला फोटो पर आपको क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना और आपको कॉपी इफेक्ट करना। ओके, और आपको बैग जाना और आपको बिडमार प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। बिडमार्क प्रोजेक्ट ओपन करके आपको आगे चले जाना है, यहाँ से आपको कुछ भी काम नहीं है। जो यहाँ से देख रहे हो देखो सिंगल बिडमार है, ओके एक बिडमार है और आगे कुछ भी नहीं है। तो इस वाला फोटो को क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, पेस्ट करना है। फिर से आपको दो दो बिडमार है, दो बिडमार आपको छोड़ देना है। देखो तो यहाँ से आपको एक ही बिडमार है तो एक इफेक्ट पर आपको क्लिक करना है, पेस्ट करना है। जहाँ भी आपको एक ही सिंगल बिडमार दिखेगा सारे सिंगल बिडमार पर इस वाला इफेक्ट को अप्लाई कर लेना। ओके, तो देखो हम अप्लाई कर लिया। फिर से आपको डबल बिडमार है, दो बार इफेक्ट लगेगा तो इस वाला सिंगल बिडमार है तो यहाँ पर भी इस तरह इफेक्ट को ऐड करना है। फिर से आपको आगे चले जाना है, यहाँ पर सिंगल बिडमार है तो यहाँ पर भी देखो सिंगल बिडमार है, तो सिंगल बिडमार के आगे जो फोटो होगा आपको पेस्ट करना है और डबल बिडमार जो होगा आगे उसको छोड़ देना है। ओके, तो यहाँ पर हम अप्लाई कर लेते हैं सारे इफेक्ट को। ओके ओके, तो दोस्तों मैंने सारे फोटो पर देखो इफेक्ट लगा लिया, आपको छोड़ देना है। यहाँ पर आपको आ जाना है, यहाँ देखो चार नंबर इफेक्ट जो सिंगल बिडमार इस वाला इफेक्ट को आपको छोड़ देना है। जहाँ पे आपको तीन नंबर और चार नंबर यहाँ इस तरह लिखा हुआ मिलेगा आपको वहाँ पर आपको अप्लाई नहीं करना है। देखो यहाँ पर तीन नंबर इफेक्ट है तो यहाँ मैंने ये इफेक्ट को अप्लाई नहीं किया, आप भी नहीं करना है। ओके, उसके आपको बैग जाना और आपको क्या करना है, फिर सबको सैग इफेक्ट ओपन करके तो आ जाना है दो नंबर इफेक्ट। ओके, जो डबल बिडमार है तो यहाँ पर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है और आपको कॉपी इफेक्ट करना है और आपको बैग जाना है बिडमार प्रोजेक्ट ओपन करके। ओके, इस तरह आपको बिडमार प्रोजेक्ट ओपन करके आपको आगे चले जाना है। जहाँ पे आपको डबल बिडमार दिखेगा इस फोटो पर आपको क्लिक करना, पेस्ट करना। फिर से आपको डबल बिडमार आगे जो फोटो होगा फोटो में क्लिक करना है, फिर भी अगर आपको पेस्ट करना। ओके, सारे इस तरह आपको कर लेना है जहाँ पे आपको डबल बिडमार होगा। ओके, इफेक्ट में जाकर आपको पेस्ट कर लेना है देख कर। ओके, इसी तरह में जैसा करा आपको वैसा ही कर लेना है। ओके, तो चलो सारे डबल बिडमार पर आपको फोटो इफेक्ट को पेस्ट कर लेते हैं पहले। ओके ओके, तो दोस्तों मैंने डबल बिडमार में भी फोटो इफेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर फिर से बैग जाना और आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना तीन नंबर। ओके, टोटल आपको तीन नंबर इफेक्ट मिलेगा तो यहाँ पर फोटो में क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है और आपको कॉपी इफेक्ट करना है और आपको बैग जाना और बिडमार प्रोजेक्ट ओपन करके। ओके, बिडमार प्रोजेक्ट ओपन करके आपको आ जाना नीचे इस तरह सॉन्ग्स के ऊपर, आपको इस तरह देख लेना कहाँ पर, देखो यहाँ पर तीन नंबर इफेक्ट है तो यहाँ पर क्लिक करना है, फोटो में जाकर आपको पेस्ट करना। ओके, इस तरह आपको तीन नंबर इफेक्ट लग जाएगा। फिर से आपको बैग जाना और सैग इफेक्ट ओपन करके आपको चार नंबर इफेक्ट को कॉपी करना। ओके, लास्ट वाला फोटो में क्लिक करना है, इफेक्ट में जाकर आपको कॉपी इफेक्ट करना। ओके, तो बैग जाना है और आपको क्या करना है, सॉन्ग्स बिडमार ओपन करके। ओके, इस तरह आपको नीचे आ जाना है, सबसे नीचे आपको सॉन्ग्स आ जाना है। इस तरह आपको आगे चले जाना है, आगे आपको चार नंबर इफेक्ट कहाँ पर मिलेगा आपको देख लेना अच्छे से। ओके, तो यहाँ पर चार नंबर लिखा है तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको टोटल आपको चार फोटो जो है आपको चार फोटो पर चार नंबर इफेक्ट को ऐड करना है। तो पहले वाला फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाकर आपको पेस्ट करना। फिर से आपको आगे चले जाना है, फोटो पर क्लिक करना है,
इफेक्ट में जाकर आपको पेस्ट करना ओके। इसी तरह आपको चार फोटो पर इफेक्ट को पेस्ट कर लेना ओके ओके। तो दोस्तों इस तरह आपको क्या करना है, फिर से आपको लास्ट वाला फोटो है तो इफेक्ट के फोटो पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट में जाकर आपको पेस्ट करना ओके। टोटल देखो सारे फोटो पर इफेक्ट वगैरह जो आपको लग गया उसके बाद आपको क्या करना है, बैग देना और आपको सैग इफेक्ट ओपन करना है। और आपको जो सीसी इफेक्ट चाहिए तो एचडीआर वाला लुक चाहिए तो 5 लेयर आपको कॉपी कर लेना, इस तरह आपको 5 लेयर कॉपी कर लेना है और आपको बैग जाना है ओके। बैग आने के बाद बिडमार्क प्लेयर ओपन करके यहाँ आपको सिंपल सा स्टार्टिंग में आकर पेस्ट करना ओके। इस तरह आपको लास्ट तक इफेक्ट ऐड हो जाएगा ओके। देखने के लिए सीसी इफेक्ट यहाँ पर जो एचडीआर का लुक आ गया ओके। इसी तरह आपको इफेक्ट को ऐड करने के बाद आप क्या करें, यहाँ शेयर वाला ऑप्शन में क्लिक करना है और वीडियो को फुल एचडी में एक्सपोर्ट कर लेना है ओके। सो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो पर प्यारा सा कमेंट कर देना है। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।